2 अगस्त को वाम दलों के बिहार बंद का मिला जुला असर जहानाबाद में देखने को मिला। एक ओर जहां बाजार खुली रही तो यातायात बंद रहा, हालांकि सुबह से ही बंद समर्थक बाजारों में दुकान बंद कराते देखे गए। वाम दलों के इस बिहार बंद को राजद सहित कई दलों ने अपना समर्थन दिया और सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंद के मौके पर नेताओं ने कहा कि लड़कियों के साथ मुजफ्फरपुर में बलात्कार, कई लड़कियों की गुमशुदगी की घटना ने बिहार को देश दुनिया में शर्मसार किया है। पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मुंगेर, छपरा समेत पूरे राज्य के बालिका गृहों में लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही है, जिसकी खबरें आती रही थी, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही थी। लेकिन इस घटना ने पूरे देश दुनिया में बिहार को बदनाम करके रख दिया और बिहार के मुख्यमंत्री बलात्कारी को बचाने में लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर के भाजपा विधायक और भाजपा कोटे के कैबिनेट मंत्री सुरेश शर्मा का माफिया ब्रजेश ठाकुर से प्रगाढ़ संबंध जग जाहिर है कि इस घटना में शामिल मंत्री मंजू वर्मा भी हैं। इस बंद के माध्यम से वाम दलों ने सरकार से मांग किया है कि यौन शोषण के दोषी मंत्री मंजू वर्मा और मंत्री सुरेश शर्मा को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। बिहार बंद है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो बड़ी संख्या में बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, उस सवाल को लेकर के आज पूरा बिहार बंद है। वामपंथी पार्टियों द्वारा आयोजित है और इसको समर्थन राजद, शरद यादव की पार्टी और कई जो प्रगतिशील पार्टी हैं उन्होंने समर्थन दिया है। हम लोग उसका स्वागत भी किए हैं। तो हम लोग का जो आज बिहार बंद है उसका मुद्दा है कि जो सीबीआई जांच चल रही है वो विश्वसनीय तब तक नहीं होगा जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में वो जांच नहीं हो। इसी तरह से बिहार में जब तक नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री, दो दो मंत्रियों का नाम आया है, मंजू वर्मा के पति का नाम और नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का नाम। नीतीश कुमार का इस्तीफा दिए बगैर निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता। इसके लिए इन मांगों के साथ और भी जो गरीबों पर शराबबंदी के बहाने, अतिक्रमण के बहाने जो दमन हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए हम लोग बिहार बंद किए हैं। इस बिहार बंद में पूरा दुकानें बंद है, पूरा भारी समर्थन हम लोगों का है, सारे लोग बंद किए हुए हैं। केवल जो मेडिकल वगैरह है, जो आपातकालीन सेवाएं हैं उसको छोड़ करके पूरा आज बंद है। हम लोग अपील कर रहे हैं और लोगों से, जो भी थोड़ा बहुत लोग नहीं बंद कर पाए हैं, नहीं जानकारी है, वो सारे लोग बंद कर देंगे। तो ये इस तरह से ये बिहार बंद जो है एक सफल बिहार बंद के रूप में इस बिहार में जाना जाना चाहिए, ऐतिहासिक बिहार बंद के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन इस सरकार के नकारात्मक रवैया और जो लगातार आप देख रहे हैं, अभी अल्पावास गृह में जो सरकार के लोगों के द्वारा जो वहां बालिकाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, बलात्कार किया गया और लगातार गया से लेकर के सभी जगह में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है अपराधियों पर, बलात्कारियों पर, और बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है, उसी के चलते आज यहां बंद का ऐलान किया गया और राष्ट्रीय जनता दल भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस बंद के समर्थन में खड़ी है। चूँकि सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, यहाँ की बेटियाँ एक तरफ नारा लगाती है सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस पर सिर्फ नारा ही है और बेटियों का अस्मिता लूटी जा रही है, इज्जत लूटी जा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखें कि उसी को लेकर के हमारे नेता युवा साथी तेजस्वी यादव भी साइकिल मार्च, महात्मा बुद्ध की पावन धरती
गया से लेकर के और पटना तक प्रारंभ किया था, लेकिन प्रकृति के साथ नहीं देने के चलते उसको स्थगित करना पड़ा। इन्हीं चंद कारणों के साथ हम लोग आज सड़क पर हैं। बंद के दौरान क्या क्या बंद किया आप लोग? नहीं, बंद तो स्वतः बंद है, हम लोग तो ऐसे चल रहे हैं सड़क पे और जो बंद होना चाहिए। बाकी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, एम्बुलेंस, ये सब फ्री है, कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है।